बात वही अगली खबर की। आईटीआई यूनियन के कर्मचारियों ने आज सेक्टर 8 स्थित कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और वहीं ज्ञापन भी सौंपा। कैबिनेट मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन देकर शांत किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और मंगलवार को चंडीगढ़ में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता का आईटीआई में लगे अनुदेशकों की भर्ती को लेकर वार्ता की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई गलत नहीं होने दिया जाएगा, सरकार हर कर्मचारी का ध्यान रखेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का आप लोगों ने घेराव किया है, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर घेराव किया? ये आईटीआई में हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 1410 अनुदेशक लगे हुए हैं और ये पिछले 6-7 साल से लगे हुए हैं। तो अब सरकार ने इन पदों को रिक्त मानते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और 3 से 18 तारीख तक एग्जाम भी कंडक्ट हुए हैं। अगर वो भर्ती पूरी होगी तो ये 1410 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। तो हम पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उन्होंने ये भर्ती रोक दी गई थी, तो दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करके और एग्जाम कंडक्ट किए हैं इसके विरोध में। हम नई भर्ती के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 1410 कर्मचारियों को नौकरी से हटा करके 1410 को रखना हिसाब बराबर, तो हम कह रहे हैं इनकी सेवाएं भी पक्की करो और जो बाकी जो पोस्टें बचती हैं 2300 के करीब उन पर दोबारा से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करो। तो इस मांग को लेकर के आए थे, 1410 परिवारों का चूल्हा ठंडा होने की नौबत आ गई, छटने की नौबत आ रही है। तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि 7 तारीख को चंडीगढ़ में विभाग के ACS और डायरेक्टर और यूनियन के नेताओं के बीच बातचीत होगी और जो हमने उनको कहा है ये बात ठीक है। तो भाई मुझे आईटीआई के सारे जितने आईटीएम नौकरी करते हैं एम्प्लाईज हैं और ये नेतृत्व में आए हैं शिवाजी सारे साथी, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे 19 जुलाई 2019 से बात हुई थी और 1410 जो कर्मचारी जो नौकरी पर लगे हुए हैं जिनका सिलेक्शन कमीशन के ने मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ था और इससे पहले भी इस तरह उनको पक्का कर दिया गया और इस तरह के जो सरकार ने जो ऐड करी है 3200 कर्मचारियों की उसमें 1410 वो पोस्ट हैं जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं और उसके इन्होंने कहा है कि भाई हमको जब सिलेक्शन पूरे से हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमको रखा जाए, बाकी आपका सिलेक्शन कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने से बात हुई है सब लोगों की और इस विषय में जाकर मंगलवार को बात करेंगे क्या इसमें बात हुई है, हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने सिंगल बेंच ने क्या कहा है, सारी चीज़ जानकारी लेकर इसका मंगलवार को बात करेंगे। सर कर्मचारी ये भी आरोप लगा रहे हैं जो भर्ती की थी उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने लिखा है वो। देखो जिसकी छिंती हो तो लगाएगा, मेरी ना लगी लगाएगा, पर मैं ही मानते हूँ हरियाणा प्रदेश में आपके शहर में 4 तहसीलदार लगे हैं ना शहर में थे और तुम्हारी कॉलोनी में से लगे हैं, बता दो ना क्या दे देगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी कर्मचारी हमारा नौकरी देना हमारे